कक्षा 8 गणित। मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को समीकरण की प्रश्नावली 12.1 करवाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले कुछ तथ्य देख लेते हैं। समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं आता है। यदि समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करा जाए, नंबर एक समान संख्या जोड़ दी जाए तब भी कोई अंतर नहीं आएगा, समान संख्या घटा दी जाए तब भी अंतर नहीं आएगा, और समान शून्येतर संख्या का गुणा कर दें तब भी कोई नहीं आएगा अंतर, और चौथा समान शून्येतर संख्या का भाग दे दें तब भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस तरह से ये चार कंडीशन है, जैसा करने पे समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं आता। अब ये नंबर दो पे दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी बटे सी एक्स प्लस डी बराबर के, जहां समीकरण में ए बी सी डी एवं के पूर्णांक है तथा सी एक्स प्लस डी का मान 0 के बराबर नहीं है, तो क्या होता है, तो समीकरण एक चरीय समीकरण होता है, मतलब एक चर में समीकरण माना जाता है। नंबर तीन देखिए ए एक्स प्लस बी बटे सी एक्स प्लस डी बराबर के है, जैसी समीकरणों को हल करने में वज्र गुणन विधि उपयोगी रहती है, इसमें हमेशा वज्र गुणन विधि करते हैं। नंबर चार किसी शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए अज्ञात राशि को किसी चर से व्यक्त करते हैं एवं प्रश्नानुसार इसे बीजीय समीकरण में बदलकर समीकरण हल करते हैं, तो ऐसा हम समीकरणों को हल करने के लिए किया करते हैं। चलते हैं देखते हैं क्या चीज है। उदाहरण नंबर ये एक दिया हुआ है, इसमें समीकरण दे रखी 2x प्लस 5 बटे 3x प्लस 1 बराबर 3 बटे 11। देखते हैं इसको हम हल कैसे करेंगे। तो ये है 2x प्लस 5 और बटे में कितना दिया है, ये दिया है 3x प्लस 1 और बराबर दिया है 3 बटे 11। तो इसकी ब्रज गुणा करेंगे, 11 किधर गुणा हो जाएगी, इस 3 किधर गुणा हो जाएगी। देखिए कैसे 11 की गुणा कर दी यहाँ 2x प्लस 5 से, बराबर यहाँ 3 है इसकी गुणा कर दी किससे, 3x प्लस 1 से, और ऐसा लिखा जाएगा। अब 11 की गुणा करिए तो 11 दुनी हो गया 22, तो 22x हो गया प्लस 11 पंजे हो गया 55, तो ये 55 हो गया बराबर 3 किससे गुणा कर दिए, 3 × 9x हो गया और 3 × 3 हो जाएगा। इस तरह से गुणा आसानी से हो जाती है। अब क्या करेंगे, x वाले सब एक तरफ ले लेते हैं, तो 22x हो गया, माइनस का इधर ले आते हैं 9x हो जाएगा, और यह 3 पहले से है, ये 55 को इधर लाएंगे तो माइनस का 55 हो जाएगा। अब ये 22 में से 9 गए, अब देखिए कितना बचता है, 22 में से 9 गए तो 22 में से 9 गए 13 बच जाएगा, 22 में से यानी कि 12 में से 2 गए 3, ये 12 में से 9 गया 3 बच जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा 13x बच जाएगा, और बराबर यहाँ देखिए ये बच जाएगा माइनस का 52, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 52 बटे 13, 13 × 13 और 13 × 54, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। अब ये देखना है हमारा ये मान सही है या नहीं है, तो उत्तर की जांच भी देख लेते हैं। उत्तर की जांच कैसे करनी है, उत्तर की जांच के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये कितना है 2x है और प्लस का 5 है और बटे में कितना है 3x है प्लस का 1 है, मान रख दीजिए x का, तो माइनस 4 है तो 2 गुणा माइनस 4 हो जाएगा और प्लस का 5 है और बटे में कितना है, ये है 3 गुणा माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 1 हो गया। तो जरा आप देखना चालू करेंगे कैसे कैसे होता है ये। ऊपर बच गया माइनस का 8 हो गया प्लस का 5 हो गया और बटे में 3 × 12 माइनस का 12 हो गया और प्लस का 1 हो गया। ऊपर क्या बच जाएगा, माइनस 8 प्लस 5 है तो ये माइनस का 3 बच जाएगा, इससे बच जाएगा माइनस का 11, ये माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया 3/11, तो ये 3/11 और ये 3/11 आपका दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जो है पक्ष यहाँ सही है, अतः हमारा उत्तर सही है। तो ये क्या हुआ, उत्तर की जांच हो गई, अतः हमारा उत्तर क्या है, सही है। तो इस प्रकार से हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो बाकी प्रश्नों को मैं केवल हल करके दिखाऊंगा, आप लोग उत्तर की जांच स्वयं करेंगे। चलिए उदाहरण नंबर दो देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये दिया हुआ है 5 − 7y बटे में 2 + 4y बराबर −8/7, तो इसको लिख लेते हैं, ये है 5 − 7y है और बटे में कितना है 2 + 4y है, बराबर कितना हो गया −8/7। इसमें भी ब्रज गुणा करनी है, किसी गुणा तो 7 की गुणा इससे कर देंगे तो 5 − 7y है बराबर, इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 8 तो पहले से ही है और 2 + 4y और आ गया,
तो 7 पंजे हो गया 35, इसकी से गुणा करेंगे तो माइनस का 7 सते 49 वाई हो गया, और माइनस का 8 दूनी 16 हो गया, और इससे हो जाए 8 चौक 32, और 32 का क्या वाई हो जाएगा। अब देखते हैं जरा इसको इधर उधर कर लेते हैं, तो ये 32 वाई को इधर लाएंगे तो 32 वाई प्लस का हो जाएगा, और माइनस का ये 49 वाई है, यहाँ माइनस का 16 है, इस 35 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 35 हो जाएगा। तो 32 में से यानी 49 में से 32 घटा रहे हैं, तो 9 में से 2 गए 7 बचा, और 4 बचा 4 में से 3 गया तो 1 बच जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। जरा यहाँ भी देखते हैं माइनस का बचेगा, 6 और 5 11 हो गया, और 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 51 बटे माइनस का 17, तो ये कट जाएगा और 17 3 51 हो जाएगा, तो वाई का मान कितना आ गया 3, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर की जांच भी आप लोग कर सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखते हैं उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, उत्तर की जांच कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो 5 माइनस का 7 वाई है, और बटे में कितना है 2 प्लस 4 वाई है, मान रख दीजिए वाई का 3 रखना है, तो 5 माइनस 7 गुणा 3 हो जाएगा बराबर 2 प्लस 4 गुणा 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 माइनस 7 3 21 हो गया, और ये 2 प्लस 4 3 12 हो जाएगा, तो माइनस का 21 में से 5 गया तो 16 5 21 होता है, और यहाँ कितना बचा है 12 और 2 14 हो जाएगा, तो देखते हैं 2 सते 14 और 2 अठे 16, तो कितना आ गया माइनस का 8 बटे 7, ये वाला मान और ये वाला मान आपका दोनों सही है, तो हमारा उत्तर सही है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह से आप लोग उत्तर की जांच कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। उदाहरण नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तो ये जरा लिख लेते हैं, ये है वाई माइनस 7 माइनस 8 वाई दिया हुआ ब्रैकेट में, फिर बटे में भी कुछ कह रहे हैं, ये है 9 वाई माइनस 3 प्लस 4 वाई दिया हुआ है, बराबर कितना है 11 बटे 7 दिया हुआ। ऊपर पहले ब्रैकेट खोल दीजिए, तो वाई माइनस का 7 हो जाएगा प्लस का 8 वाई हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे ब्रैकेट खुलते क्योंकि बाहर माइनस है, नीचे वाले में भी माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का 4 वाई हो जाएगा, बराबर कितना है 11 बटे 7, तो वाई और ये 8 वाई कितना 9 वाई हो गया, तो 9 वाई माइनस का 7 हो गया बटे, यहाँ 9 में से 4 गया तो 5 वाई हो जाएगा, तो 5 वाई माइनस 3 हो जाएगा बराबर 11 बटे 7। अब इसमें ब्रजगुणा करेंगे यानी तिरसी गुणा करेंगे, तो कैसे हो जाएगा 11 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 11 की गुणा हो जाएगी 5 वाई माइनस 3 से, और 7 की गुणा किससे हो जाएगी 9 वाई माइनस 7 से। चलिए देखते हैं, तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, वाई माइनस 11 3 33 हो जाएगा, और 7 ने 63 वाई हो जाएगा, और माइनस 7 सते 49 हो जाएगा, यहाँ बचा है 55 वाई, और माइनस का ये 63 वाई इधर ले आएंगे, और यहाँ माइनस का 49 है, और प्लस का कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 33 को इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 55 इन 63 में से 55 घटाना, तो 13 में से 5 गया तो 8 5 13 होता है, यहाँ 5 हो गया, 5 का 5 बचेगा, माइनस का 8 वाई बच गया। यहाँ देखिए 49 में से 33 घटाना तो माइनस का बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6 बच जाएगा, और यहाँ 4 में से 3 गया तो 1 बच जाएगा। तो देखिए माइनस का 8 वाई बराबर कितना आ गया, इसको दोबारा लिख दे रहा हूँ, माइनस का 8 वाई बराबर माइनस का 16 है, तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 16 बटे माइनस का 8, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो वाई बराबर 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। उत्तर की जांच आप लोग स्वयं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ, यहाँ एक समीकरण दी हुई है, इस समीकरण को लिख लेते हैं पहले, ये x प्लस 0.5 है, और बटे में कितना दिया है 0.3x बराबर दिया हुआ है 20, तो 20 बटे 1 कर लेंगे और इसकी ब्रजगुणा कर देंगे, तो चलते हैं ब्रजगुणा की तरफ, कितना हो जाएगा ये, तो x प्लस 0.5 की गुणा 1 से करेंगे, तो यहाँ 1 लिख दिया बराबर 20 गुणा कितना हो जाएगा 0.3x, चलिए हो गया x प्लस 0.5 बराबर 20 किससे गुणा कर दीजिए, तो 20 3 60 हो जाएगा, लेकिन 1 के बाद दशमलव लग जाएगा ये, तो ये कितना हो गया केवल 6.0x हो गया। अब इसको इधर उधर कर लेते हैं, तो x है ये माइनस का 6x हो जाएगा और बराबर ये 0.5 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसको इधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं,
तो 6 में से ये गया तो माइनस का 5x बच जाएगा और ये माइनस का कितना है 0.5 बच गया। तो x बराबर माइनस का 0.5 बटे माइनस का 5 रहेगा, ये इससे कट जाएगा, जब इसको काटेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा। तो x बराबर 0.1 आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं प्रश्नावली 12.1 पर, ये हल कैसे करते हैं, इसको हल करना सीखते हैं जरा क्या है ये। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 4x है प्लस का 18 है और बटे में है 5x बराबर 2। इसको बटे 1 मान करके तिरछी गुणा कर लेंगे यानी तिरिया गुणा कर लेंगे। तो चलो गुणा करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 की गुणा करनी है किससे, 4x प्लस 18 से, बराबर 2 की गुणा किससे करनी है, 5x से। चलिए गुणा करके देखते हैं, तो ये तो 4x प्लस 18 होगा बराबर 5 गुनी 10x हो गया। तो 4x माइनस का इधर आएगा 10x हो जाएगा, ये 18 इधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो माइनस का बच गया 6x यहां से और ये माइनस का है 18, तो x का मान हो जाएगा माइनस का 18 बटे माइनस का 6, माइनस माइनस कट जाएगा और 6 × 3 = 18 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उत्तर की जांच भी कर सकते हो। चलो उत्तर की जांच भी कर लेता हूं मैं, उत्तर की जांच, चलिए जांच देखते हैं जरा करके। तो ये कितना है, 4x है प्लस का 18 है और बटे में कितना है 5x, चलो x का मान धर लेते हैं 3 है, तो 4 × 3 + 18 हो जाएगा बटे में 5 × 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 4 × 3 हो गया 12 और ये हो गया 18, 5 × 3 हो गया 15, तो 18 और 12 कितना हो गया 30 हो गया और बटे में 15 हो जाएगा। तो 15 × 15 = 30, तो ये आ गया 2। तो ये जो 2 आया है ये भी 2 है यहाँ पर, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो यहाँ लिखेंगे हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। चलिए दूसरा है ये, इसको भी हल करना है और उत्तर की जांच करनी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, 5x + 2 है और बटे में कितना है 2x + 3 है और 7/5। चलिए फिर से गुणा कर दीजिए इसकी, तो 5 की गुणा किससे हो जाएगी, 5x + 2 से गुणा होगी और 7 की गुणा किससे हो जाएगी, 2x + 3 से। चलिए किधर गुणा होगी, इसकी इधर गुणा होगी, 5 के अंदर गुणा करते हैं तो 5×5 = 25x हो जाएगा और 5×10 हो जाएगा, 7×14 = 14x हो जाएगा और 7×3 = 21 हो जाएगा। अब ये हो गया 25x, 14 को इधर ले आओ माइनस का, तो 14x हो जाएगा बराबर, यहाँ 21 है, 10 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो अब ये 25 में से 14 गए यानी कि 15 में से 4 गया, 1 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा और ये x हो जाएगा। और यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से भी 11 ही बच जाएगा, x बराबर हो जाएगा 11/11, काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा यानी x का मान 1 आ गया और यही हमारा उत्तर है। अब उत्तर की जांच की बात करते हैं, तो क्या होता है इसकी पहले हम साइड लिख लेंगे, 5x है प्लस का 2 है और बटे में कितना है 2x है प्लस का 3। चलिए x का मान धर दीजिए, 1 रखना है तो 5×1 + 2 हो गया, फिर 2×1 + 3 हो गया, तो 5+2 इधर 2+3, 5 × 2 = 7 हो गया और नीचे 5 आ गया और ये जो उत्तर दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। अतः क्या हो गया, हमारा उत्तर सही है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं, ये तीसरा प्रश्न दिया हुआ है तो पहले लिख लेते हैं, ये 7m है प्लस का 6 है और बटे में कितना है 4m है प्लस का 2 है बराबर 2, बटे में 1 मान लेते हैं और तिरछी गुणा कर लेते हैं, तिरिया गुणा। चलिए तिरिया गुणा करके देखते हैं, इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो 2 की गुणा कितना हो जाएगी 4m + 2 बराबर 1 की गुणा किससे हो जाएगी 7m + 6 से, तो 4×8 हो गया, ये 8m हो गया और फिर इसकी 2 किससे गुणा करेंगे 2×4 हो जाएगा, फिर 7m हो गया, ये बच्चों m लिखा हुआ है, ये 7m हो गया और प्लस का ये 6 अपनी जगह ही रहेगा, तो यहां देखिए 8m है, इसको इधर ले आओ 7m को तो माइनस हो जाएगा, 6 × 4 को इधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये केवल m बच गया और 6 में से 4 गए तो 2 आ गया और यही हमारा आंसर है। अब इसकी उत्तर की जांच कर लेते हैं, देखते हैं उत्तर की जांच में क्या है। तो 7m है
प्लस का 6 है और बटे में 4 एम है और प्लस का 2 एम का मान धर देते हैं, तो 7 गुणा 2 हो गया, प्लस का 6 आ गया और बटे में 4 है यहाँ पर और m का मान 2 है और प्लस का 2 आ गया, तो 7 दुनी 14 हो जाएगा और प्लस का 6, 4 दुनी 8 हो गया और प्लस का 2 आ जाएगा, तो प्लस का 2 यहाँ लिख लेते हैं। 14 और 6 हो गया 20 और 8 और 2 हो गया 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना बन गया, केवल 2 बचा रह गया, ये 2, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 एक ही है, इसका मतलब क्या है, हमारा उत्तर सही है। इस तरह से हमारे उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। इसमें भी लिखा हुआ है x माइनस 3 बटे x प्लस 2 बराबर कितना है, माइनस का 3 बटे 7। चलिए तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 7 की गुणा हो जाएगी x माइनस 3 से, माइनस 3 की गुणा हो जाएगी x प्लस 2 से। चलिए 7 की गुणा करो तो 7x हो गया, इससे गुणा करेंगे तो 7 यहाँ 21 हो जाएगा, माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस का 3x रह जाएगा और माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3x को इधर ले आते हैं तो 7x माइनस का है तो प्लस का हो गया 3x, और ये माइनस का 6 है और प्लस का ये 21 हो जाएगा क्योंकि माइनस है इधर, तो 7 और 3 हो गया 10x और यहाँ देखो कितना बच जाएगा, 21 में से 6 गए तो 15 बच जाएगा, 15 और 6 21 होता है, तो x का मान हो जाएगा 15 बटे 10, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो x का मान कितना आ गया, 3 बटा 2 आ गया और यही उत्तर है। चलिए उत्तर की जांच भी जरा कर लेते हैं, कैसे करते हैं, तो x माइनस 3 है और बटे में x प्लस 2 है, जरा मान रख लेते हैं, x का मान 3 बटा 2 है और माइनस का 3 हो गया और बटे में फिर वही 3 बटा 2 और प्लस का 2। लघुत्तम ले लें, पहले ऊपर वाले का लघुत्तम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ 3 माइनस 3 किया, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो जाएगा, और यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3 यही रहेगा और 3 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलिए इसको सही कर लेते हैं, जरा कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 6, 3 में से 6 गया तो माइनस का 3 बचा और बटे में 2 आ गया, और यहाँ 3 और 4 7 और बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया, माइनस का 3 बटा 7। ये वाला आंसर और ये वाला देखिए दोनों सही हैं, अतः हमारा उत्तर क्या है, सही है। तो इतना आप लिखेंगे तब जाकर के ये नंबर मिलेंगे इसमें, नहीं तो नहीं नंबर मिलेंगे। अब आते हैं ये पांचवे प्रश्न पे, ये दिया हुआ है 2y माइनस 5 बटे में कितना है 3y प्लस 1 बराबर कितना है 3 बटा 13। चलिए तिरछी गुणा कर देते हैं, तो ये 13 की गुणा करेंगे तो 2y माइनस 5 में करेंगे, 3 की गुणा करेंगे तो किसमें 3y प्लस 1 में करेंगे। चलिए देखिए, तो 13 दुनी 26 हो गया, y माइनस का 13 पंजे 65 हो गया बराबर 3 तिया 9y हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये देखिए y वाले सब एक तरफ कर लेते हैं, तो 26y है, 9y को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये 65 है, 3 प्लस का 65 हो जाएगा। चलिए 6 में से 9, 16 में से 9 गए तो 7 बचा और यहाँ 2 में से 1 ही बचेगा, यहाँ तो हासिल चला गया था, तो 17y हो गया और यहाँ देखिए तो 65 और 3 68 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 68 बटे 17, 17 एकम 17, 17 चौक 68, तो y का मान 4 आ गया जो कि उत्तर होगा। अब उत्तर की जांच भी जरा करके देखते हैं कैसे होता है, तो पहले लिख लेते हैं इसको 2y माइनस 5 और बटे में 3y प्लस 1, तो 2y, y का मान पता है आपको 4 है, माइनस का 5 है यहाँ, 3y का मान 4 है और प्लस का 1 हो गया। चलिए 4 दुनी 8 हो गया, माइनस का 3 हो गया और 4 तिया 12 हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो ये बच गया कितना, ये 5 है बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, तो 8 में से 5 गया तो 3 बच जाएगा और 3 और नीचे 12 और 1 13 हो गया, तो ये जो उत्तर दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अतः हमारा उत्तर सही है। तो हमारा उत्तर क्या है, सही है, तो यही उत्तर की जांच है हमारी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में देखते हैं क्या हुआ, 8 माइनस का 3y है और बटे में कितना है 5y है प्लस का 2 है बराबर 1 बटा 6। पहले हम तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 की गुणा किससे कर रहे हैं,
पांच वाई प्लस दो से, और छह की गुणा किससे कर रहे हैं, आठ माइनस तीन वाई से। इसकी इधर गुणा कर दी गई, इसकी इधर गुणा कर दी गई। चलिए करके देखते हैं, तो पांच वाई प्लस दो हो गया, छह की गुणा कर दो, छह अठे अड़तालीस माइनस छतिया अठारह वाई। अब ये वाई वाले एक तरफ कर लीजिए, तो पांच वाई है प्लस का ये अट्ठारह वाई हो जाएगा, इस वाले को इधर ले जा रहे हैं, और यहाँ अड़तालीस है, दो को इधर ले आएंगे तो माइनस का दो हो जाएगा। अब ये अट्ठारह पांच हो गया तेईस, तेईस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए घटा करके तो चार हो जाएगा, और आठ में से दो गए तो छह बच जाएगा, तो वाई बराबर हो गया छियालीस बटे तेईस, तेईस एकम तेईस, तेईस दूनी छियालीस, तो वाई बराबर दो हो गया, जो कि इसका उत्तर हो गया। अब लेते हैं उत्तर की जांच की तरफ, उत्तर की जांच में क्या है, इसको लेंगे आठ माइनस तीन वाई और बटे में कितना है पांच वाई प्लस का दो, रख दीजिए मान इसमें वाई का, तो आठ माइनस तीन वाई का मान दो है, और यहाँ से पांच है गुणा दो है और प्लस का दो, आठ माइनस तीन दूनी छह हो गया, और यहाँ हो गया पांच दूनी दस और प्लस का दो, आठ में से छह गए तो दो बचा, और यहाँ दस और दो बारह हो गया, दो एकम दो, दो छिंग बारह, कितना बच गया एक बटे छह। ये एक बटे छह देखो और यहाँ का एक बटा छह देखो, दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अतः हमारा उत्तर कैसा है, नंबर सात, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो ये दिया सातवां आपका कितना है, सत्रह माइनस का दो के है और बटे में है के माइनस पांच, बराबर दिया है माइनस का तीन, इसे बटे एक मान लीजिए और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा अब आपका, तो ये हो गया आपका एक की गुणा इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सत्रह माइनस दो के और बराबर माइनस तीन है, इसकी गुणा करेंगे तो के माइनस पांच से कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा सत्रह माइनस दो के, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा, माइनस का तीन के हो गया और प्लस का पंद्रह हो जाएगा, तीन के को इधर लेना सत्रह को इधर लेना, तो तीन के तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का दो के बचा हुआ, यहाँ पर कितना बच जाएगा पंद्रह तो है ही है, माइनस का सत्रह हो जाएगा, तो यहाँ से के बच जाएगा और यहाँ से माइनस का दो हो जाएगा, और ये ही आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं उत्तर की जांच के लिए, उत्तर की जांच में देखते हैं क्या होगा, ये है सत्रह माइनस दो के और बटे में कितना है के माइनस पांच, जरा मान रख देते हैं के का, तो सत्रह माइनस दो के का मान कितना है माइनस का दो है, और यहाँ माइनस का दो है और माइनस का पांच हो गया, जरा गुणा करके देखते हैं, तो यह सत्रह हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का चार हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का सात हो जाएगा, तो सत्रह चार इक्कीस हो गया और बटे में माइनस का सात हो गया, सात एकम सात, सात किया इक्कीस, ये बच गया माइनस का तीन, अतः क्या हुआ, अतः हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह से हमारा उत्तर सही आ गया। अब आगे चलते हैं आठवें प्रश्न में, इसमें भी ऐसे ही करना है हल, तो पहले इसको लिख लेते हैं, तो चार एक्स हो गया माइनस का है ये एक्स प्लस सात हो गया, और बटे में कितना है तीन एक्स है और माइनस है पांच एक्स माइनस नाइन, बराबर है दो बटा तीन, पहले ऊपर ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये चार एक्स माइनस का एक्स हो जाएगा माइनस का सात हो जाएगा, ब्रैकेट खुलते ही बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ऐसे यहाँ पे तीन एक्स है यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का तो पांच एक्स हो गया लेकिन प्लस का नाइन हो जाएगा, और बराबर कितना हो गया दो बटा तीन, चार में से एक एक्स गया तो तीन एक्स बचा माइनस का सात, और ये बटे में क्या बच रहा है तीन में से ये पांच गया तो माइनस का दो एक्स बच जाएगा और प्लस का नौ बच जाएगा, बराबर दो बटा तीन बच जाएगा। अब जरा इसकी गुणा करते हैं, तीसरी गुणा कर लेते हैं, तो तीन की गुणा किससे हो जाएगी तीन एक्स माइनस सात से, और दो की गुणा हो जाएगी माइनस का दो एक्स प्लस नौ से। चलो गुणा करके देखते हैं, तीन तिया तो नौ हो गया तो नौ एक्स आ जाएगा, माइनस सात तिया इक्कीस हो जाएगा, बराबर माइनस का ये दो दुनी चार एक्स हो गया और ये प्लस नौ दुनी अट्ठारह हो जाएगा, चार एक्स को इधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो नौ एक्स प्लस चार एक्स हो गया बराबर ये अट्ठारह है, ये इधर आगे प्लस का इक्कीस हो जाएगा, तो 9 और 4 हो गया 13 एक्स, और यहाँ देखिए 8 और 1 9 हो गया और 2 और 1 3 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा उनतालीस बटे 13, 13 तिया उनतालीस हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ गया 3 आ गया, ये हमारे पास उत्तर हो गया। अब उत्तर की जांच के लिए चलते हैं, जरा इसमें वही साइड ले लेते हैं हम लोग, कितना है 4 एक्स है
माइनस है, एक्स प्लस सात है और बटे में कितना है, तीन एक्स है, माइनस का पांच एक्स और माइनस का नौ है। चलिए रखते हैं मान, एक्स का मान तीन रखना है, तो चार गुणा तीन हो गया, माइनस तीन प्लस सात हो गया, बटे में यहाँ हो जाएगा तीन गुणा तीन हो जाएगा, माइनस का पांच गुणा तीन और माइनस का नौ हो गया। चलो और हल कर लेते हैं, तो चार तिया तो बारह हो गया, माइनस का सात और तीन दस हो जाएगा, और यहाँ तीन तिया नौ हो गया, माइनस पांच तिया पंद्रह हो गया और माइनस का नौ है। तो ये देखिए बारह में से दस गया तो दो बच गया, यहाँ कितना बचा, यहाँ बच जाएगा आपका कितना, देखिए तो नौ है, माइनस पंद्रह में से नौ गया, पंद्रह में से नौ गए तो छह बच जाएगा। चलिए और देखते हैं क्या बचा, यहाँ दो बटा तीन बच गया, ये दो बटा तीन यहाँ है और दो बटा तीन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा उत्तर सही है, इसका मतलब उत्तर हमारा सही हो गया। चलिए ये इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, इसको भी हल करके देख लेते हैं जरा कितना होता है। तो ये है एक दशमलव पांच एक्स प्लस का जीरो दशमलव तीन है और बटे में तीन एक्स है, गुणा किससे करनी है, तीन बटे दस से, तो ये तीन बटे दस बराबर दिया, दस की इधर गुणा हो जाएगी तो दस गुणा कितना हो जाएगा, एक दशमलव पांच एक्स प्लस जीरो दशमलव तीन, और इस तीन की गुणा किससे हो जाएगी, तीन एक्स से हो जाएगी। चलिए इसकी गुणा करिए, दस से इसको गुणा करेंगे तो ये पंद्रह एक्स हो जाएगा और ये तीन आ जाएगा, बराबर तीन किया नौ एक्स हो जाएगा। तो पंद्रह एक्स तो यहाँ है, नौ को इधर ले आएंगे माइनस का एक्स हो जाएगा, तीन को उधर ले जाएंगे तो माइनस का तीन हो जाएगा, पंद्रह में से नौ गए तो छह एक्स बच जाएगा और बराबर है माइनस का तीन, तो एक्स बराबर बच जाएगा माइनस का तीन बटे छह, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तो एक्स का मान माइनस एक बटा दो आ गया और यही इसका उत्तर है। अब चलते हैं उत्तर की जांच के लिए, उत्तर की जांच के लिए पहले लिख लेते हैं, एक दशमलव पांच एक्स है प्लस का जीरो दशमलव तीन है और बटे में तीन एक्स है, एक्स का मान माइनस एक बटा दो है, चलिए एक्स का मान रख दिए, तो एक दशमलव पांच है, एक्स का मान माइनस एक बटा दो रख दिया हमने और प्लस का जीरो दशमलव तीन और बटे में कितना है, तीन गुणा ये माइनस का एक बटा दो रख दिया गया। जरा हल करते हैं, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, एक दशमलव पांच बटा दो हो जाएगा, प्लस का जीरो दशमलव तीन हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा ये, और ये माइनस का हो जाएगा तीन बटा दो। लघुत्तम ले लेते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा ऊपर वाले का, तो लघुत्तम दो आ जाएगा और ये माइनस का एक दशमलव पांच है और प्लस तीन दोनों छह हो जाएगा तो जीरो दशमलव छह आ जाएगा और माइनस का ये तीन बटा दो है, ये दो से दो कट गया। अब देखते हैं क्या बचता है, ये तो माइनस है ये और प्लस का ये छह है, तो ये कितना बच जाएगा, माइनस का जीरो दशमलव नौ बच जाएगा, तो माइनस का जीरो दशमलव नौ बच गया। नीचे कितना बचा है, ये बचा है माइनस का तीन, माइनस माइनस हट जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो एक नीचे दस आ जाएगा, तीन एकम तीन, तीन तिया नौ हो जाएगा। तो ये जो बचेगा वो बचेगा तीन बटा दस, देखो तीन बटा दस यहाँ भी है और तीन बटा दस यहाँ भी है, अतः क्या हुआ, हमारा उत्तर सही है। इस तरह से हमारा ये प्रश्नावली समाप्त होती है। तो प्रश्नावली समाप्त होते ही आप लोग क्या करेंगे, नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आगे उन्हीं लोगों को ये वीडियो दिखाई देगा जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखे हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और कम से कम एक लाइक तो बनता ही है, तो बच्चों मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे जिससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।